हेलो गाइस, वेलकम टू बीबोर्ड। चालू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड अ प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग इसराइल्स सोवियनिटी ओवर द डैश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डैश पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता देने वाली एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलान हाइट्स। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किया है जो कि रिकग्नाइज करेगा कि इसराइल जो है वो गोलान हाइट्स का सोवरियन है। ये भी कहा उन्होंने कि इसराइल के पास पूरा राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। इसराइल ने गोलान जो हाइट्स हैं उसको कैप्चर किया था सीरिया से इन 1967, बट लेकिन जो इसकी सोवरेंटी है इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा रिकग्नाइज नहीं की जा रही थी। ओवर द पास्ट ईयर जो टेररिस्ट ग्रुप थे साउथ सीरिया के, वो गोलान हाइट्स को यूज़ कर रहे थे एज ए लॉन्चिंग ग्राउंड फॉर अटैक्स। तो अब क्या हुआ है, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गोलान हाइट्स का सोवियन रिकग्नाइज कर लिया है, तो उसके प्रोक्लेमेशन पे साइन हो गया है। मैप से देख लेते हैं कहाँ पे, तो ये है अपना इंडिया, तो इसराइल ये रहा। इसराइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है इसराइली न्यू शिकेल, इसराइली न्यू शिकेल। आगे देखते हैं, अ कंसोर्टियम ऑफ टू इंडियन ऑयल कंपनीज हैज बीन अवार्डेड द एक्सप्लोरेशन राइट्स फॉर अबू धाबीज ऑनशोर ब्लॉक वन। दीज टू कंपनीज आर डैश एंड डैश। दो भारतीय तेल कंपनियों के एक संघ को अबू धाबी के तटवर्ती ब्लॉक एक के लिए अन्वेषण अधिकारों से सम्मानित किया गया है। ये दो कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, BPCL एंड IOCL। तो भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं जिनको अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक वन, तो इनको एक्सप्लोरेशन राइट मिला है अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक वन के लिए। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने क्या किया है, एक्सप्लोरेशन राइट को प्रदान करने वाले समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी दो कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज अपॉइंटेड 5 मेंबर कमेटी टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट्स एज वेल एज टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। द कमेटी विल बी हेडेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदन नीलेकानी। नंदन नीलेकानी, तो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि न्यू दिल्ली में जो नीति आयोग ने क्या किया था, एक फिनटेक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था ना, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया था, शक्तिकांत दास जी ने। ये 25 मार्च को हुई थी। तो इसी कॉन्क्लेव में RBI ने अपॉइंट किया है एक 5 मेंबर कमेटी जो कि क्या करेगी, डिजिटल पेमेंट्स को स्ट्रेंथन करेगी और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करेगी। इसके जो 5 मेंबर की जो हेड होंगे वो कौन होंगे, नंदन नीलेकानी, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो किसने की, शक्तिकांत दास जी ने। अगर RBI की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके जो गवर्नर हैं 25th गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास जी, और ये फाउंड हुआ था इन 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। आगे देखते हैं, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मित्र शक्ति 6 बिटवीन इंडिया एंड डैश आर्मी किक स्टार्टेड एट दिया तलावा। संयुक्त परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति भारतीय और डैश सेना के बीच 6 नंबर का दिया थलवा पर शुरू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति, इसका 6th एडिशन कहाँ पे चालू हो गया है, श्रीलंका के दियातवाला में। ये 2 वीक्स लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये चालू कब से हो रही है, 26 मार्च to 8 अप्रैल ये चलेगी। आगे देखते हैं, द इंडियन एयरफोर्स फॉर्मली इंडक्टेड द CH-47F1 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर इन टू इट्स इन्वेंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। दीज हेलीकॉप्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से CH-47F1 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में अपनी सूची में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टर का निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोइंग लिमिटेड। तो ये रहा कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, 2015 सितंबर में 15 चीनू हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, किसके साथ, MS बोइंग लिमिटेड के साथ। तो उसका जो फर्स्ट बैच है जिसमें 4 चीनू हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी जो डिलीवरी हो गई है, और ये कहाँ पे रखी गई है, एयर
4 स्टेशन चंडीगढ़ में, और जो नेक्स्ट बैच है तक अब तक डिलीवर होने की बात कही गई है मार्च 2020। और इस हेलीकॉप्टर को कहां पे तैनात किया जाएगा, इंडिया के नॉर्थन और ईस्टर्न रीजन में। आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हैज वन द प्रेस्टीजियस ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019 एट द सेरेमनी इन दुबई। निम्नलिखित में से किसने दुबई में एक समारोह में 2019 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर तबीची। तो केन्या के एक टीचर जिनका नाम है पीटर तबीची, उनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 से नवाजा गया। और ये कहाँ पे हुई सेरेमनी, दुबई। ये अपनी जो मंथली इनकम है उसका 80% गरीबों को दे देते हैं, और इस प्राइज के तहत इन्हें $1 million से नवाजा गया, और ये एक पहले अफ्रीकन है जिन्हें ये प्राइज मिला है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। तो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वो वर्ल्ड की पहली सिटी बन चुकी है जिसने इंस्टॉल किया है वायरलेस जो इंडक्शन बेस्ड कार्स हैं उसका चार्जिंग स्टेशन। ये यहाँ पे आपको दिख रही है इमेज में। और इनका नॉर्वे चाहती है कि जो उनकी सारी नई कारें हैं वो जीरो एमिशन हो जाएं बाय 2025, जबकि दूसरे जो देश हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, उनका गोल 2040 तक इसे पाने का है, इसे अचीव करने का है। इसको मैप में देख लेते हैं, ये है अपना इंडिया और नॉर्वे कहाँ पे, ये रहा नॉर्वे। तो नॉर्वे की अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, ओस्लो, और यहाँ पे करेंसी चलती है नॉर्वेनियन क्रोन। आगे देखते हैं। काला परपूर्णा वॉडी विंजमूरी अनासुया देवी पास्ड अवे, शी वॉज अ वेल नो। काला परपूर्ण अवॉडी विंजमूरी अनसुया देवी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फोक आर्टिस्ट। तो बहुत ही फेमस फोक आर्टिस्ट, रेडियो कमेंटेटर, हारमोनियम प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर और ऑथर, जिनका नाम था विंजयमूरी अनासुया देवी, वो अब हमारे साथ नहीं है। ये काला परपूर्णा वडी भी थी। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था अमेरिका में, और इन्हें क्वीन ऑफ फोक से भी अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था इन पेरिस में। तो याद क्या रखना है, काला परपूर्णा वडी विंजयमूरी अनासुया देवी का निधन हो गया। आगे देखते हैं। द इंडियन नेवी स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा एट INS शिवाजी लोनावला। द ट्रेनिंग फैसिलिटी हैज बीन नेम्ड डैश। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा NBCTF का उद्घाटन INS शिवाजी लोनावला में नौसेना स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा द्वारा किया गया था। प्रशिक्षण सुविधा का नाम क्या रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभेद। तो सुनील लांबा जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने क्या किया है, एक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, INS शिवाजी लोनावला में। और इस ट्रेनिंग फैसिलिटी का जो नाम रखा गया है वो है अभेद्य, जिसका संस्कृत में मतलब होता है इम्पेनेट्रेबल, मतलब जिसे भेदा ना जा सके, तो अभेद्य इसका नाम। अभी आपको याद होगा कि 1 अप्रैल से नए CNS बनने वाले हैं, उनका नाम क्या है, करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। आगे देखते हैं। Which Indian naval ship is participating in the 15th edition of Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition Lima 19? Langkawi अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेने जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS कलमत। तो जो लीमा होने वाला है, ये लीमा जो लंगावी इंटरनेशनल मैरिटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा, ये कहाँ पे होने वाला है, मलेशिया में। इसमें जो इंडिया की जो शिप पार्टिसिपेट करने वाली या फिर पहुँच गई है, उसका नाम क्या है, INS कदमत। और ये जो शिप है ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। इसको देख लेते हैं मैप में, मलेशिया कहाँ पे है, तो ये रहा अपना इंडिया और ये है अपना मलेशिया। तो मलेशिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, और इसकी जो करेंसी है वो है रिंगिट। कल का रिविजन करते हैं। नीति आयोग ने फिनटेक कॉन्क्लेव हेल्ड किया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं वो कहाँ पे विजिट में गए हैं, कौन सी 3 कंट्री में, क्रोशिया, बोलीविया एंड चिली। तो इनकी कैपिटल बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है कैपिटल करेंसी। तो क्रोशिया की कैपिटल क्या है, ज़ैग्रेब, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, क्रोशियन कूना। बोलीविया की कैपिटल क्या है, सुक्रे, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है बोलीवियन बोलीवियानो, बोलीवियानो
और चिली की जो कैपिटल है उसका नाम है सैंटियागो, जो करेंसी है वो है चिलियन पीसो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा देखते हैं, ओमान ने साइन किया है एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट के साथ कि वो जो है उनकी पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है वो 12th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है अकॉर्डिंग टू एयर काउंसिल इंटरनेशनल के तहत। इसमें जो फर्स्ट है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूएसए हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया की रैंक क्या आई है 76 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि निकाली थी WEF ने। नरेश गोयल क्या कर रहे हैं, जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा ले रहे हैं। AIBA के प्रेसिडेंट गफूर रामीमोम ने रिसाइन किया। 64th फिल्म फेयर अवार्ड्स कंडक्ट हुआ और उसमें जो बेस्ट फिल्म है वो मिली है राजी को, बेस्ट एक्ट्रेस मिली है आलिया भट्ट को, बेस्ट एक्टर मिला है रणबीर कपूर को। ललित कला अकेडमी ने 60th नेशनल अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए, इसमें 15 विनर्स थे टोटल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये कब मनाया जाता है, 23rd मार्च को। एक और चीज़ मनाई जाती है जो कि है मार्शल डे, एवरी वोट काउंट्स, ये बुक लॉन्च की गई जो कि किसकी है, नवीन चावला जी की। सुरेश रैना पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5000 रन पूरे किए किस पे, IPL में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर।